भिंडी की सब्जी आपने बहुत बार खाई होगी, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, प्याज और टमाटर से बनी भिंडी की टेस्टी सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद करसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी प्याज और टमाटर से बनी भिंडी की सब्जी। 250 ग्राम हमने भिंडी लिया है और भिंडी को हमने पहले अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हमने अच्छे तरीके से उसके पानी को पोंछ लिया है और पोंछने के बाद ही हमने भिंडी को कट कर लिया है। कभी भी भिंडी को कट करने के बाद ना धोएं। कट करने से पहले ही आप भिंडी को अच्छी तरीके से धोएं और पूरी तरीके से पानी से पोंछ। भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये हमने लिया है एक बारीक कट किया हुआ प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची, इसे बारीक कट कर ले, तीखा अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का बारीक कट कर लें, 8 से 10 कड़ी पत्ते। गैस हमने ऑन कर दिया और कढ़ाई रख दी है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। हम राई का तेल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो भी तेल यूज़ करते हो उसे ऐड करें। और तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। सभी को 10 सेकंड तक अच्छे से पका लें। और ये 10 सेकंड कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन बारीक कट किया हुआ, 1 इंच अदरक बारीक कट किया हुआ ऐड करेंगे और सभी को हम अच्छे तरीके से 10 से 20 सेकंड तक अच्छे से पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें और सभी को अच्छे से पका लें। और उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें और अब हम ऐड करेंगे मिर्ची, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, कड़ी पत्ते और सभी को अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज को पका लें। और प्याज हमारी पक चुकी है, 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है। टमाटर ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक कट कर लें और इसमें ऐड करें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढक के पकाएंगे और 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है। मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं और अभी हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी को। अच्छे से मिक्स कर लें सभी को और फिर हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखें और भिंडी को इसमें मिक्स कर दें। भिंडी को मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद हम इसे गैस की फ्लेम को स्लो करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ढक दें और गैस को स्लो कर दें और 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। सब्जी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करें। भिंडी की सब्जी जब भी आप बनाएं नमक को तुरंत ना ऐड करें, 2 से 5 मिनट के बाद ही नमक को ऐड करें या फिर लास्ट में। ऐसा करने से आपकी भिंडी बहुत ही खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी स्टिकी और चिपचिपी नहीं होगी। और इसे हम ढक करके पकाएंगे 10 मिनट तक। भिंडी की सब्जी को गैस की फ्लेम को स्लो कर दें और बीच बीच में आप चलाते रहें भिंडी की सब्जी को। और ये देखिए 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है और बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहें और ये हमारी बढ़िया टेस्टी प्याज और टमाटर से बनी खिली खिली भिंडी की सब्जी हमारी बनके तैयार है। आप रोटी, चपाती, पूड़ी के साथ इसे सर्व करें। देखिए एक एक दाने भिंडी के कितने अच्छे तरीके से खिले खिले हैं। दाल चावल के साथ भी भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी भिंडी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे वीडियो को शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाजू बेल आइकन है तो उसे भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।